वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग लगातार जारी है, मत प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन उतना उत्साह सभी जगहों पर नहीं दिख रहा है। वोटिंग के दौरान फर्जी मतदान का जो मामला निकल कर सामने आया है अलग अलग जगहों से, लघु उद्योग निगम अध्यक्ष इमरती देवी मौजूद हैं। मामला आपको बता दें, ग्वालियर से भी फर्जी मतदान की खबर सामने आई थी। तहसीलदार दीपक शुक्ला भी मौजूद हैं। फर्जी मतदान को लेकर लगातार जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, डबरा से हाल ही में एक खबर से हमने आपको अपडेट कराया था, इमरती देवी इस वक्त उसी वोटिंग जो मतदान केंद्र है वहां पर इस वक्त मौजूद है। फर्जी मतदाता पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। तहसीलदार दीपक शुक्ला भी मौजूद हैं, इमरती देवी भी मौजूद हैं। फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। ग्वालियर से भी इस तरह की खबर सामने आई थी और ये डबरा से इस वक्त खबर आपको बता रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रही है इमरती देवी। आप तो उनकी गिनती करवा दीजिए, हमने आई डी मिलाया, नाम बोला, आपने मिलाया है तो प्रतिका अभी एजेंट सभी मने कर रहे हैं। नहीं अरे बताओ ये पार्टी के हमें एजेंट देंगे, बताओ किसी के बारे में बोला, किसी ने मिलाल करवाया हो? मेरे पापा ये कांग्रेस का खड़ा है, फिर जी कौन की तरफ की वोट डाल रहे हैं? ये बैंक कैरियर रैंक का जो वोट है, ये अभी चित्रकूट है, कल के चित्रकूट है, ये सुन लीजिए आप सुन नहीं, अभी आप बोले थे हमने वोट डाल दिया, अभी आपने ये बोला ये वोट डाल कर रहे हैं, वोट डाल अच्छा वोट डाल गए फिर नहीं पकड़ने से क्या लाना है यार, पकड़ने के अलावा भी तो दे दे रहा है, तो उतार दोगे हमें पता है, तुम तहसीलदार हो ना, गाड़ी में से उतार दोगे अरे बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा अभी माननीय चक्र मछली वाले दिन से भी बात हुई है। अग्रवाल साहब जैसे ही इसे आई डी मांगी, मैं बिना आई डी घूम डलवा रहा हूँ, आई डी पकड़ में आ गए तो घर पे थे जब पता पड़ा कि 100 गुंडे ग्वालियर से आए हैं और पोलिंग में धसे हैं, आके सब घर पे एक हमने पकड़ लिया है, ये बेटा है गुंडा ग्वालियर का, और बता रहा हूँ मैं डबरा के और यहाँ 100 गुंडे फर्जी डले हैं, जबकि बीजेपी बीएसपी और कांग्रेस तीनों प्रत्याशी लो रहे हैं यहाँ खड़े होकर, उन्हें धसन नहीं दे रहे और बराबर के ग्वालियर के गुंडे वोट डाल रहे और सारे जो पीडर सीन अधिकारी जो डरवा रहे सब, ये पोलिंग कैंसिल होना चाहिए, हमारे जो तीनों प्रत्याशी का ये पार्टी के बीएसपी बीजेपी और कांग्रेस वही होगा यहाँ, जो प्रत्याशी होगा चित्रकूट अच्छा चित्रकूट में है ताको जो वोट डाल रहा तो सिवारे पर्ची लेके आया है।